हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टेटली अनबॉक्सिंग टैच में। दोस्तों, इस चैनल पर अनबॉक्सिंग से रिलेटेड वीडियो आती है। आज हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं एक बहुत ही सस्ते ड्रोन की। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये मैंने अमेजोन से यहाँ पर परचेज़ करा है और इसका प्राइस मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा। तब तक दोस्तों, आप देख सकते हैं इसकी हम अनबॉक्सिंग करते हैं। इसके अंदर से एक बॉक्स निकला है, सिंपली हम इसको बॉक्स को ओपन करते हैं और दोस्तों आप देख सकते हैं बॉक्स के अंदर से निकलता है हमको ड्रोन का बैग मिलता है। तो बैग काफ़ी हल्का है और काफ़ी अच्छा सिक्योर, मतलब ड्रोन रखने के लिए काफ़ी बढ़िया है। तो जल्दी से इसको खोलते हैं और देखते हैं इसके अंदर से हमें क्या क्या निकलता है। तो एक एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। सबसे पहले इसके साथ हमें कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स मिलते हैं ड्रोन के, जैसे ये डाटा केबल है बैटरी को चार्ज करने के लिए, और कुछ पंखे मिलते हैं एक्स्ट्रा, ये पंखड़ी मिलती है एक्स्ट्रा, और एक पेंचकस मिलेगा इसके साथ, और ये ड्रोन पर सिक्योर करने के लिए, और ये रिमोट कंट्रोल के लिए। तो दोस्तों, फाइनली ये हमारा ड्रोन रहा छोटा सा, काफ़ी फोल्ड होके आ जाता है, एक हाथ के साइज़ का है बस। तो ड्रोन को खोल लेते हैं हम दोस्तों, मतलब फोल्ड होके ये काफ़ी छोटा हो जाता है दोस्तों। एक एक चीज़ देखते हैं इसकी, इसके साथ क्या क्या दिया हुआ है। तो ड्रोन को हम ये भी देखते हैं दोस्तों, पीछे से देखते हैं इसके दोस्तों। ये एक इसका एंटीना वायर दिया हुआ है जो कि रेंज का होता है दोस्तों, और ये एक छोटा कैमरा नीचे दिया हुआ है और एक फ्रंट कैमरा दिया हुआ है दोस्तों। ये फ्रंट कैमरा रोटेटिंग नहीं होता, मतलब रिमोट से कंट्रोल नहीं होगा, हमको ये एक जगह ही सेट कर देना पड़ेगा ताकि हम इसको एक जगह ही बैलेंस कर सके। और दोस्तों, बाकी बस इसके पीछे एक बैटरी लगती है जो कि इसके साथ दी हुई है, अभी बैटरी को भी देखेंगे, और पंखड़ी ऐसी दी हुई है कि ये टूटेगी नहीं। ये इसका रिमोट कंट्रोल रहा दोस्तों, आप इसकी डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं जो कि मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ। ये मिलती है इसकी 3.7 वोल्ट की बैटरी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इसके साथ एक जैक पॉइंट मिलता है, यहाँ से इसको चार्ज कर सकते हो, और सिंपली बस ये ड्रोन में लग जाएगी और यहाँ पर ये स्टार्ट हो जाएगा। बाकी रिमोट कंट्रोल के पीछे तीन सेल लगते हैं, सेल हमने लगा लिए हैं, हम करेंगे इसकी टेस्टिंग। सबसे पहले दोस्तों, ये रिमोट में यहाँ पर देख सकते हैं ऑन ऑफ है, लेफ्ट राइट है, ये करने के कंट्रोल दिए हुए हैं। जल्दी से हम रिमोट को स्टार्ट कर लेते हैं ताकि हम ड्रोन की टेस्टिंग कर सके। देखेंगे दोस्तों उड़ेगा नहीं उड़ेगा। लगभग इसका प्राइस मैं आपको बता देता हूँ, ये मुझको 1900 रुपये के लगभग का पड़ा है, जो कि अभी बहुत ही सस्ता प्राइस है अमेजोन पर। अगर आप इससे इंजॉय करना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, या किसी छोटे बच्चे को देना चाहते हैं, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। बाकी दोस्तों, इसके साथ मैनुअल मिल जाते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम उड़ा रहे हो तो इसको स्कैन करके इसका ऐप डाउनलोड कर लो, और वाईफाई से कनेक्ट करके यहाँ पर ये कैमरे भी कनेक्ट हो जाएंगे इसके। अमेजोन का वाउचर मिला है एक, इसको स्कैन करेंगे तो मिल जाएगा हमको पैसा। ये दो इंडिकेटर लाइट लगी हुई है। बाकी दोस्तों, सब कुछ मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है, अब टेस्टिंग करते हैं इसको उड़ाने की। हम सिक्योरिटी के लिए ये लगा लेते हैं। तो दोस्तों, हम ले आए हैं ड्रोन को यहाँ पर एक ग्राउंड में, खुले ग्राउंड में दोस्तों, क्योंकि सबसे पहले हम टेस्टिंग करके देखते हैं इसकी है कैसा उड़ता है, कैसे इसका कंट्रोल है। तो मैंने कनेक्ट कर लिया है, ये आप देख सकते हैं कनेक्ट कैसे होता है। तो स्टार्ट तो हो गया है दोस्तों, ये उड़ तो रहा है, ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा उड़ रहा है, उसका कंट्रोल भी अच्छा है। लेकिन दोस्तों, हमारा ड्रोन यहाँ पर खो चुका है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी ये ड्रोन मंगाते हैं तो इसको रात में बिल्कुल भी ना उड़ाएं। अगर आप इसको रात में उड़ाओगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये कहीं भी जा सकता है। इसका कंट्रोल तो अच्छा है, लेकिन पहले आपको ये अच्छे से उड़ाना सीखना होगा। ड्रोन तो खो गया है दोस्तों, लेकिन आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। दोस्तों, मेरे पास ड्रोन की ये एक ही वीडियो थी, तभी इसको मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मैंने रात को ये उड़ाया और अचानक से इसका कनेक्शन टूटा, तब से गायब है, मुझको दिखा भी नहीं और हमने सभी जगह ढूंढा, ये पाया भी नहीं। दोस्तों, 500 मीटर से भी ज़्यादा इसकी रेंज है, इसलिए आप इसका ध्यान से उड़ाएंगे। बाय बाय दोस्तों, थैंक यू।